हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो हम इस वीडियो में बिना एक भी मिनट गवाए रामबाण बैच, जो कि हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, इसके बारे में डिटेल्स देखने वाले हैं। ये बैच कंप्लीट 1 साल का स्टडी प्लान है जेआरएफ के लिए, और ना सिर्फ जेआरएफ के लिए। अगर आपने इस बैच में इस पूरे सिलेबस को पढ़ लिया, ये जो रामबाण बैच है ये आपके पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए, दोनों पेपर इसमें कवर्ड। कंप्लीट 1 साल का स्टडी प्लान है। इसे इसे अगर आपने ठीक से डिटेल में ध्यान से जो भी चीज़ें बताई गई वो सब करा, 101% आपका JRF तय है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं, आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिना स्किप किए इस पूरी वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है। स्किप अगर आप करेंगे तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपसे मिस हो जाएगी, और फिर आप उसके लिए बाद में परेशान होंगे क्योंकि इसी वीडियो में बताई गई होगी, तो इसलिए आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो फटाफट से इसकी आपको डिटेल्स बता देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर शुरू करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जितने भी यूनिट्स आपको दिख रही है, आपका इनमें से चाहे कोई भी प्रॉब्लम, चाहे आपको थॉट समझ में नहीं आता है, ज्योग्राफिकल टेक्निक समझ में नहीं आता है, आपको इनके थ्योरीज में प्रॉब्लम होती है, पॉपुलेशन सेटलमेंट, आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, बंगाली मीडियम से, किसी भी मीडियम से हैं, आपको समझाने का काम है मेरा, ठीक है। मैं किस प्रकार से आपको समझाऊंगा उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, वो मेरे ऊपर है। 101% आपका JRF होगा, ये आपकी गारंटी है, लेकिन तब जबकि आप भी अपना 100% देने को तैयार होंगे तब, ठीक। उसके बाद आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपका चैनल है, आप फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लासेस हम कर रहे हैं सुबह 9 बजे, अपना ज्योग्राफिकल टेक्निक की फ्री तौर पे आपको क्लासेस कराई जा रही है। आपके बैच से रिलेटेड डिटेल्स आपको बताएंगे, फ्री PDF नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये मेरे बारे में कुछ बातें जो आपके किसी काम की नहीं, आप चाहे तो देख सकते हैं। आपके सामने है रामबाण बैच की डिटेल्स, जो कि दिसंबर 2023 के लिए है। इस बैच में क्लासेस आपको लाइव भी क्लासेस मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगी, और उन्हीं क्लासेस की अगर आप मान लीजिए आप क्लास नहीं देख पाए किसी कारणवश, आपको कोई काम आ गया इंपॉर्टेंट या फिर कुछ भी हो गया, तो आप उसी क्लास को बाद में रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी देख पाएंगे। ये पूरा बैच 1 साल का स्टडी प्लान है। जनवरी से ये शुरू होगा बैच और दिसंबर 2023 तक ये बैच चलेगा। पूरा कंप्लीट 1 साल तक आपको इसका एक्सेस दिया जाएगा। पूरे 1 साल में इसका सिलेबस बहुत इत्मीनान से, आराम आराम से, ध्यान से, हर एक पॉइंट पे बहुत डिटेल में डिस्कशन करके, PDF नोट्स, सारी चीजें, आपको जो भी चीजें JRF पास करने के लिए चाहिए वो इस बैच के अंदर है, चाहे वो पेपर 1 से रिलेटेड हो, चाहे वो पेपर 2 से रिलेटेड हो। आपको तो ये चिंता ही छोड़ देनी है कि अब हमें इसके अलावा क्या कुछ कर दें, कुछ और करना पड़ेगा क्या, नहीं। आपको बस इस बैच को फॉलो करना होगा और इसी से आपका JRF होगा, ठीक है। तो पहली चीज, ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक है, पूरे 1 साल का स्टडी प्लान एक्सेस दिया जाएगा। इसकी सबसे अच्छी और बात ये है कि मान लीजिए आप जो मार्च का सेशन है उसे एक ट्रायल के तौर पर देना चाहते हैं, आप जून का एग्जाम है, शायद हो सकता है कि आप ट्रायल के तौर पे देना चाहते हैं, तो आपको प्रीवियस जो रिकॉर्डेड बैचेस हैं, यही बात मैंने सुबह भी आपसे बोली थी, पेपर 1 का रिकॉर्डेड बैच, पेपर 2 का रिकॉर्डेड बैच, पूरे 1 साल तक आपको इनका भी फ्री एक्सेस दिया जाएगा। इनकी फीस देखिए कितनी है, पेपर 1 के जो 6 महीने का रिकॉर्डेड बैच होता है उसकी फीस 1,000 रुपये है। अब 1 साल तक आपको एक्सेस दिया जा रहा है, मतलब इस कोर्स की भी वर्थ 2,000 रुपीज है। पेपर 2 का रिकॉर्डेड बैच है, 6 महीने तक 1,000 रुपये रिकॉर्डेड बैच की फीस है, तो अगर 1 साल तक है तो आपको 2,000 रुपये फीस इसकी अगर अलग से आप लेते तो हो जाती है ना। उसके अलावा जो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है, लाइव बैच इसके है ना, वो 6 महीने का है, उसकी फीस है कितना, 2,000 रुपीज। अगर आप सोचिए कि वही बैच अगर आप 1 साल तक ज्वाइन करते तो 2,000, 2,000 कितने हो गए, 4,000 रुपये उसकी फीस हो जाती। पेपर 1 का जो लक्ष्य बैच है, 1,500 रुपये 6 महीने की फीस है, अगर आप 1 साल तक ज्वाइन करते तो 3,000 रुपये आपको उसकी फीस हो जाती। लेकिन ये सभी एक ही पैकेज में आपको मिल रहा है, रामबाण बैच। आपको पेपर 1 का रिकॉर्डेड बैच भी दिया जाएगा 1 साल तक, पेपर 2 का रिकॉर्डेड बैच भी दिया जाएगा 1 साल तक, ज्योग्राफी का अब 80 नहीं बल्कि हम 90+ टारगेट के साथ चल रहे हैं, ज्योग्राफी में आप 90+ स्कोर करेंगे। ये भी, ये तो लाइव सेशन में हम क्लासेस पूरी करेंगे, ये रामबाण बैच की क्लासेस होंगी, ठीक है। और रामबाण बैच की ही पेपर 1 की क्लासेस भी होंगी 1 साल तक,
लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड दिया गया है, लाइव क्लासेस भी हम चलाएंगे। तो अगर आप इन सभी को देखे जोड़ देते हैं, अभी जोड़ के हम बाद में देखेंगे कि इतना फीस आपको देनी, इतनी फीस नहीं देनी पड़ेगी आपको, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। आपके लिए जरूरी बात यह है कि इसमें फ्रेश अपडेटेड और टारगेटेड लाइव क्लास होगी। जितना भी मटेरियल है वो एकदम फ्रेश मटेरियल होगा। मैंने आपको दिखाया था सुबह की क्लास में कि कितनी सारी किताबें मैंने नई खरीदी है। किस लिए? आप इतनी सारी किताब खरीद के नहीं पढ़ सकते, खरीद भी लोगे तो फिर पढ़ नहीं पाओ, और अगर आप पढ़ेंगे भी तो फिर जो अपना टारगेट है उसको भूल जाएंगे। कितने समय में आपको उन्हें कवर करना है? अपडेटेड मटेरियल होगा सारा का सारा, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स होंगे, ठीक है। टारगेटेड टाइप क्लास होंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको उनकी मिल जाएंगी, और प्रीवियस रिकॉर्डेड बैच के एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, बिल्कुल भी इधर उधर भटकने की आपको मतलब आप भटकने के लिए परेशान हो ही नहीं सकते हैं कि ये आपको मटेरियल कहाँ से ढूंढना पड़ेगा, ये कहाँ से ढूंढना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और जो स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन में है, बीए बीएससी बीकॉम जो भी है, बीकॉम तो नहीं, बीएससी एमए एमकॉम एमएससी में है, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप शुरुआत से जितना जल्दी शुरू कर देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। ये आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके परसेंटेज को बढ़ाने में इम्प्रूव करेगा, जो कि आपके फाइनली एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा पूरा, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज किया जाएगा पूरे सिलेबस का, जितने भी 10 यूनिट है डिटेल में एकदम। डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं समय समय पर, पीडीएफ नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का मटेरियल ट्रांसलेटेड होगा, नहीं, ट्रांसलेटेड नहीं होगा, ऑथेंटिक किताबों से ही हिंदी की टाइपिंग की जाएगी, ठीक। जो 10 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं इनका सोल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। 2022 से लेकर 2010 तक हम सभी सवालों को इस बैच के अंदर सॉल्व करेंगे। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज आपको मिलेंगे पेपर 2 के, जियोमॉर्फोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी हर एक यूनिट के अलग अलग। और कहीं पर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। कोई भी अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की असिस्टेंस की जरूरत है तो आप वो भी मुझसे समय समय पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है कि इसमें मैंने कुछ नहीं बताया है जो आपको जानना जरूरी है, देखिए ये जो चीजें हैं कि क्लास कब होगी, कितनी क्लास पर डे होगी, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। आपके लिए जरूरी ये है कि जो मटेरियल आपको मिल रहा है क्या वो अपडेटेड है, क्या वो उससे उसे पढ़ के आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है, ये आपके लिए जरूरी है। बाकी जब आपको जेआरएफ के लिए पढ़ाई करनी है तो कभी भी क्लास लगे, कितनी क्लास लगे, आपको वो करनी ही पड़ेंगी, है ना। अब चाहे फिर आप उसको सुबह देखिए, शाम को देखिए, कैसे भी करके देखिए। अब इस बैच के लिए कितना फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेपर 1 का जो रिकॉर्डेड बैच है उसके लिए 1 साल तक आपको 2,000 रुपये पेमेंट करना पड़ सकता है सेपरेटली। पेपर 2 का जो रिकॉर्डेड बैच है उसके लिए सेपरेटली आपको 2,000 रुपीज़ पे करना पड़ सकता है। ज्योग्राफी का जो सेपरेट बैच है उसकी फीस भी 4,000 रुपये हो सकती है 1 साल तक, और पेपर 1 का जो बैच है उसकी फीस भी 3,000 रुपये हो सकती है। ये सभी बैचेस की जो फीस है मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी बहुत समय से चल रहे हैं। तो अगर आप इन सभी को जोड़ देंगे, 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11, तो ये टोटल होता है 11,000 रुपये। ये हमारे ही बैच की फीस है। अगर मैं इन सभी को अलग अलग करके आपको बताऊं कि आपको अलग अलग करके ज्वाइन करना है, तो मैं इन्हीं बैचेस से आपसे एक ही व्यक्ति से देखिए 11,000 रुपये कमा सकता हूँ। लेकिन मैंने आरपी की सुविधा के लिए इन सबको कंबाइन कर दिया है कि किसी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन करना है वो मार्च का भी देना चाहता है, जून का भी देना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं। आप अलग अलग परेशान मत हो, कम कम आपसे पैसा लिया जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने ज्यादा पैसा दे दिया। एक ही बार में अगर लिया जाएगा तो फिर वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कहते ना कि सस्ता रहो बार बार, महंगा रहो एक बार। अब इस 11,000 फीस को भी हम रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, और आपके लिए और ज्यादा सुविधा कर देते हैं। क्या आप या तो 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, एक ही बार में पेमेंट कर सकते हैं, 2 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, आप 3 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप 4 टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सुविधा हमने पहली बार शुरू करी है। अगर आप केवल एक बार में पेमेंट कर देते हैं कंप्लीट बैच की, ये पूरा एक्सेस आपको दिया जाएगा और ये सभी पूरे इस बैच से आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। अगर आप इस पूरे बैच की एक बार में फीस दे देते हैं और 1 साल तक इससे जुड़ जाते हैं तो आपको सिर्फ 5,000 रुपये ही देनी पड़ेगी। अब आप देखिए 11,000 से सीधा 5,000, 60% रिड्यूस कर दिया, समझ रहे हैं आप बात। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक बार में नहीं दे पाऊंगा, जो दे सकते हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक बार में 5,000 रुपये नहीं दे सकते हैं, तो आप 2 बार में, लेकिन आपको फिर 3,000
प्लस 3,000 रुपीज पेमेंट करना होगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि 3,000 प्लस 3,000 भी नहीं दे पाएंगे, तो आप इसको 3 बार में दे सकते हैं, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 करके, ऐसे करके आप फीस पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है तब भी। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो 2,000 रुपये करके भी नहीं होगा, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं इस बैच को नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा? नहीं, आप फिर 4 बार में पेमेंट कर सकते हैं 1,750 रुपये, 1,750 रुपये 4 बार, ठीक है। अगर आप 1,750 रुपये करके 4 बार में पेमेंट करेंगे, तो फिर ये बैच आपको 7,000 रुपीज का पड़ेगा, ये बात ध्यान रखें। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड होते जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें। वन टाइम पेमेंट करना मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 टाइम में पेमेंट कर देना चाहिए। आप 1 महीना, इस महीने में थोड़ा पेमेंट कर दीजिए, बाकी पेमेंट आप अगले नेक्स्ट मंथ कर सकते हैं। 2 टाइम में मैक्सिमम आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, और फिर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो अब पेमेंट का मेथड क्या रहेगा, तो आपको मैं बता दूं, ये क्यूआर कोड है, सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आप चाहे गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, आप फोन पे इस्तेमाल करते हैं, आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपका कोई भी यूपीआई है, तो आप उसने अपने क्यूआर कोड से, मतलब क्यूआर स्कैनर है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप इस वाले क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। किसी भी एक क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आप फीस पेमेंट करके और मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। किस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है 7983188839, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आपको मैसेज करना है, ठीक है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करना है। क्योंकि हो सकता है कि मैं उस समय क्लास में हूँ या फिर कोई काम कर रहा हूँ, बीच में डिस्टर्बेंस होता है, इस वजह से आप व्हाट्सएप करेंगे। और जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, आपको 1 आवर का, 1 घंटे का वेट करना है, विद इन 1 आवर आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक, बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, ठीक। अब इसके बाद क्लासेस कैसे होंगी, आपको मटेरियल कैसे करके डाउनलोड करना है, मटेरियल को कैसे करके एक्सेस करना है, क्लास का लिंक कहाँ पर मिलेगा, वो सारी बातें आपको बैच में ज्वाइन करने के बाद समझा दी जाएंगी। एक वीडियो इसी तरीके से दी जाएगी कि आप इसको देखिए, सारी प्रोसेस आपको फिर उसके बाद समझ में आ जाएगी। लेकिन जो बैच में ज्वाइन करने से पहले जो प्रक्रिया है, वो ये है आपके सामने, ठीक, ये रामबाण बैच की प्रोसेस है। अगर आप ब्रह्मास्त्र बैच से ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें भी आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। ब्रह्मास्त्र बैच उन लोगों के लिए है जिनका मेन टारगेट है दिसंबर 2023, ये बात ध्यान रखें, और ब्रह्मास्त्र बैच उन लोगों के लिए है जिनका मेन टारगेट जून 2023 है, ठीक है। तो ये 6 महीने का बैच है, जनवरी से लेकर के जून तक 6 महीने का एक्सेस आपको इसमें दिया जाएगा। इस बैच में भी आपको पेपर वन का रिकॉर्डेड बैच, इसकी फीस मैंने आपको बता दिया कि 1,000 रुपये 6 महीने की, क्योंकि यहाँ पर 1 साल के लिए, तो इसलिए वो डबल है। इसके अलावा आपको ब्रह्मास्त्र बैच में भी प्रीवियस पेपर टू रिकॉर्डेड बैच का जो एक्सेस है वो दिया जाएगा फ्री, इसकी फीस 1,000 रुपये है। प्लस जो ज्योग्राफी का बैच अपना चल ही रहा है, वो फीस आपके सामने है, यहाँ पेपर वन पेपर टू के लिए और पेपर वन के लिए ये सामने आपको फीस दिख रही है, जिसकी 2,000 रुपये और 1,500 रुपये फीस होती है। अगर आप इन सभी को जोड़ देते हैं, 2, 3, 4 और 1, 5, मतलब 5,500 रुपीज इसकी फीस होती है, इस इन सभी टोटल अलग अलग बैचेस की फीस। और मुझे तो ज्यादा फायदा है जब मैं इनको अलग अलग करके आपको बताऊं कि आप इनको अलग अलग करके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अगर एक ही स्टूडेंट कभी इसे ज्वाइन कर रहा है, फिर इसे ज्वाइन कर रहा है, फिर वो लाइव बैच ज्वाइन करता है, फिर वो पेपर वन का बैच ज्वाइन करता है, तो सबका अलग अलग देखिए ये अमाउंट होता है 5,500। और ऐसा होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, वो अलग अलग करके ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन मैं आपके लिए इसको सुविधा करना चाहता हूँ कि नहीं, आप इसको इतनी फीस ना देते हुए आप इसकी कम फीस दे सकते हैं। अगर आप इन सभी को, इन दोनों बैचेस को, इसमें पेपर वन भी कवर्ड है, पेपर टू भी कवर्ड है, और सारी चीजें वही होंगी, मतलब इसमें आपको अपडेटेड टारगेट लाइव, वो सारी चीजें सेम, मतलब हमारा कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप हमसे पेपर वन में जुड़े हैं, तो आपको पेपर वन से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे पेपर टू में जुड़े हैं, तो पेपर वन टू में आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज के लिए, 6 महीने के पैकेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 3,500 रुपीज पेमेंट कर देना है, ठीक है, सिंपल सी प्रक्रिया है। ये पूरा एक्सेस आपको 6 महीने तक दिया जाएगा। आपको सीरियसली लगता है कि इतना एक्सेस आपको सिर्फ इतने में मिल सकता है? प्रीवियस सभी बैचेस का एक्सेस है, जितने भी आपको बैचेस यहाँ पर दिख रहे हैं, पेपर वन का भी रिकॉर्डेड बैच है, पेपर टू का भी रिकॉर्डेड बैच है,
पेपर वन का लाइव बैच है, पेपर टू का लाइव बैच है, और टारगेट लाइव क्लासेस हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, सब कुछ अवेलेबल है। और अगर मान लीजिए कि जून में ये सेशन नहीं होता है, सपोज 1% हम देखते हैं कि अगर 1% भी मान लिया जाए कि जून में नहीं होता है, एक्सटेंड हो जाता है, जुलाई में एग्जाम होता है या फिर अगस्त में एग्जाम होता है, क्या आपका ये बैच का एक्सेस कैंसिल कर दिया जाएगा? नहीं, आपको तब तक ये एग्जाम का एक्सेस दिया जाएगा, मतलब बैच का, जब तक कि ये जून 2023 का सेशन का एग्जाम नहीं हो जाता है। और जितना जल्दी आप इसको ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। आप फीस पेमेंट करके, सिंपल सा वही मेथड है, इन दोनों में से किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके, और आप भी फीस पेमेंट कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। और रामबाण बैच का भी मैंने आपको बता दिया, ब्रह्मास्त्र बैच का भी बता दिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी एक एक ही बैच से जुड़ना है, तो अलग अलग यहाँ पर आपके सामने सभी बैचेस लिखे हुए हैं जिनकी फीस मैं आपको डेली दिखाता रहता हूँ। ये ब्रह्मास्त्र बैच है देखिए, इसकी फीस, और लक्ष्य बैच है, इसकी फीस, मंजिल 35+ बैच है, और ये थ्योरीज का बैच है ना, पेपर वन का बैच है, पेपर वन पेपर टू का कंबाइंड रिकॉर्डेड बैच है, और क्रैश कोर्स है, यहाँ पर सबकी फीस लिखी हुई है। रामबाण बैच की फीस देखिए यहाँ पर 7,000 लिखी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको उसे रिड्यूस करके 5,000 बता दिया, अगर आप इसको एक बार में पेमेंट करते हैं। दो बार, तीन चार, तीन बार में, चार बार में पेमेंट करते हैं तो तब आपको फीस बढ़ जाएगी, अगर अदरवाइज आप एक बार में करेंगे तो आपका ही फायदा है। तो ये क्यूआर कोड है, इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी ऐसी चीज जो इसमें कवर नहीं हुई है, तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7983188 39 पर। और जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। क्यों आप परेशान होना है आपको, क्यों सोच रहे हैं कि नहीं कल करेंगे परसों करेंगे? अगर ज्वाइन करना है आज अभी ज्वाइन कीजिए। और ये जो पीडीएफ है, ये क्यूआर कोड है, या तो आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी विद अंकित से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाइए, ऊपर यहाँ सर्च बार होता है, सर्च बार में लिखिए ज्योग्राफी विद अंकित, या फिर @ज्योग्राफी विद अंकित, तो आप, आपको चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके और फटाफट से स्कैन करके और मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, जो पेमेंट का कंफर्मेशन पेज है, विद इन 1 आवर आपको पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा और आगे की प्रोसेस बता दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।